एक और पिक्चर को उसका दिखा देते हैं। डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ, वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता हूँ। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। पास्ट की गलती पड़ी भारी, क्या शेर खान होंगे प्यार से वाकिफ, कैसा हो सकता है सलमान का किरदार। बॉलीवुड की हर फिल्म की कहानी हमेशा से ही अलग होती है, और अगर कहानी अलग नहीं हो तो फिल्म देखने में मजा नहीं आता। वैसे तो हमेशा से बॉलीवुड पर भाईजान का राज चलता रहा है, पर इस नए जमाने की मांग है अपग्रेडेशन, जो अपनी फिल्मों में करते हुए नजर आएंगे सलमान खान। जल्द ही सलमान की फिल्म शेर खान हम देखने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ अलग अंदाज में होगी, जहां फिल्म में हम सलमान का एक अलग ही अवतार देखेंगे। ये कहानी होगी एक ऐसे इंसान की जिसका नाम होगा शेर खान। शेर खान यूं तो एक इंसान ही होगा, लेकिन उसका बर्ताव इंसानों से थोड़ा अलग होगा। जहां वो लोगों के बीच तो रहेगा, लेकिन उनसे घुलेगा मिलेगा नहीं। कहने को तो वो इंसानों की बस्ती में रहता है, लेकिन लोग उसे एक शेर समझते हैं जो कभी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलता है। वहीं उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसका नेचर बदल गया था। अब वो क्या वजह है कि इस बात को कोई भी नहीं जानता था। सच कहे तो शेर खान के अतीत के पन्नों में झांकने की हिम्मत ही नहीं हुई किसी की। शेर खान ने खुद को 4 दीवारों में बंद करके रखा था। उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। वो लोगों से सिर्फ उतना ही बोलता था जितना उसका काम हो, और अक्सर ऐसे ही लोगों की जिंदगी को जानने का मन करता है रूही को। रूही जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है, वो जिंदगी के कैरेक्टर्स को चुनती है जो अपनी जिंदगी को सबसे छुपा कर रखते हैं, और शेर खान के ऐसे बिहेवियर को देख के रूही उसकी कहानी जानने में बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है। जिसके लिए वो सबसे पहले शेर खान के पड़ोसियों से बात करती है, और उसे पता चलता है कि शेर खान अंदर ही अंदर से उलझा हुआ है, और उसे सभी लोग एक ही हिदायत देते हैं कि वो उससे दूर रहे। लेकिन रूही भी एक जिद्दी लड़की थी जो अपने मिशन के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने उन सबसे पहले तो शेर खान की डेली रूटीन का पता किया। वो दिन भर क्या करता है और कौन सी ऐसी जगह है जहां वो उसे रोज मुलाकात कर सकती है। वहीं उसे ऐसा करते हुए शेर खान के घर में आने वाली एक बुढ़ी औरत कहती है, बेटा तू मेरे शेर का दर्द बांटने आई है तो ठीक है, लेकिन उसका मजाक बनाना चाहती है तो ऐसा मत करना। पहले ही दुनिया उसका बहुत मजाक बना चुकी है। उसके गुजरे हुए कल की गलती की सजा वो आज भी भुगत रहा है। क्या रूही जान पाएगी शेर खान की कहानी? क्या है शेर खान का पास? आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, पर तब तक के लिए आप हमें बताइए आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में। आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर।